नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा। आयोग ने इसे सार्वजनिक किया, जिनमें बैंक ने बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर भी बताया, जिसमें पता चलता है कि किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना चुनावी चंदा दिया। नए डेटा से खुलासा हुआ है कि टॉप 3 पार्टियों को आधे से ज्यादा चंदा 10 कंपनियों से मिला। बिहार में देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा गिरा, एक की मौत, 10 घायलों को निकाला गया बाहर। कुछ लोगों के दबे होने की जताई जा रही आशंका। सुपौल के बकौर और मधुबनी जिले के बीच बन रहे पुल के 3 गार्डर सुबह गिरे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा मजदूरों को निकालकर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वहीं अभी भी मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की जताई जा रही आशंका। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी, जिसमें पुडुचेरी की 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का किया गया ऐलान। एक दिन पहले तीसरी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। तेलंगाना की राज्यपाल रही सुंदर राजन को चेन्नई साउथ से दिया गया टिकट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन आज से हुआ शुरू। इस सीजन का दूसरा मैच कल से चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ये मैच चंडीगढ़ के पास मुल्लानपुर में बने नए क्रिकेट स्टेडियम में होगा। अभी तक सारे मैच पीसीए के मोहाली स्टेडियम में होते थे, लेकिन इस सीजन से नए स्टेडियम में होंगे सारे मैच। बता दें कि नए स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स टीमों के बीच होगा पहला मैच। हरियाणा के सीएम नायब सैनी नाराज चल रहे। पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान अनिल विज ने बुके देकर नए सीएम का किया स्वागत। विज ने सीएम को शॉल भी पहनाई। इसके बाद सीएम ने विज के पैर छुए। सीएम और विज के बीच करीब 40 मिनट तक हुई वार्ता। बातचीत के बाद अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुलाकात हुई है, कुछ बात नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मचा सियासी घमासान। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आपके कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेता कर रहे जमकर विरोध। आप कार्यकर्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी के आवास का घेराव करने पहुंचे। यहां पहले से ही सुरक्षा को लेकर तैनात रहा भारी पुलिस बल। पंजाब के लुधियाना में डीईओ और डिप्टी कमिश्नर साक्षी सहानी ने आचार संहिता सख्ती से लागू करने के दिए आदेश। सहानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। उन्होंने कहा कि शहर में बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित सभी एजेंसियां सक्रिय रूप से कर रही काम। इनकम टैक्स और आबकारी विभाग को भी दिए गए सख्त आदेश। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के द्वारा हर व्यक्ति पर रखी जाए कड़ी नजर। कपूरथला में एनडीपीसी एक्ट मामले में छापेमारी करने आई नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो की टीम पर फायरिंग का मामला आया सामने। इस दौरान कई लोगों के घायल होने का समाचार मिल रहा। वहीं फायरिंग के बीच एनसीबी की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी को पकड़ने में की सफलता हासिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी के आवास का घेराव करने पहुंचे। यहां पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया। माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने वर्करों पर वाटर कैनल का किया इस्तेमाल, बाद में लाठी चार्ज भी किया। आप नेता अनुराग डांडा के सिर पर लगी चोटें, उनके सिर से काफी खून भी निकला। वहीं सुशील गुप्ता भी हुए घायल। हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके दोस्तों की भी बड़ी मुश्किलें। पुलिस सूत्रों के अनुसार एल्विश के साथ ही सिंगर फाजिलपुरिया को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस का दावा है कि फाजिलपुर गांव में रेव पार्टी आयोजित की गई थी, यही एल्विश के सांपों के साथ वीडियो शूट कराए गए थे। हालांकि इसकी अधिकारियों ने नहीं की अभी कोई पुष्टि। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।